क्वेश्चन नंबर 65 तक डिस्कस किया था, अब आगे बात करते हैं। किस संगठन ने हाल ही में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है? तो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है इसरो ने। अच्छा, विक्रम साराभाई है कहाँ? तो ये है त्रिवेंद्रम में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी बच्चों को दूध पिलाने के मामले में, ठीक है ना? तो उसमें पहले नंबर पे है मणिपुर और सबसे लास्ट में है यूपी। बड़ा अजीब बात है, यानी यूपी की महिला अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती इतना ज़्यादा जितना कि मणिपुर वाले करते हैं। बहुत अच्छे। विश्व जनजाति दिवस 2019 की थीम क्या है? तो विश्व जनजाति दिवस 2019 की थीम है स्वदेशी भाषाएं। 22वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम क्या है? तो 22वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम है डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। स्पेस पार्क की स्थापना के लिए केरल सरकार ने किस संगठन के साथ MOU पर साइन किए हैं? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, ठीक है ना। स्पेस पार्क की स्थापना के लिए केरल सरकार ने किसके साथ MOU पे साइन किए? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसरो के साथ। लाहौर अटारी समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1976 में। ऑफशोर रुपया बाजार पर RBI टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? तो ये हैं ऊषा थारोट। ये ऊषा थारोट वही हैं जिनकी अध्यक्षता में रुपए के साइन को अपनाया गया था। मणिपुर का ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बेलटीना एलोंग बम ये वो लड़की है जो भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी। हुआ ऐसा था कि एक पेड़ काटा जा रहा था तो ये पेड़ से चिपक गई, बहुत रोई, तो उसकी रोती हुई तस्वीर, ठीक है ना, कि पेड़ ना काटो, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और लड़की बहुत काफ़ी फेमस हो गई। तो इसका नाम है बेलटीना एलोंग बम। तो 9 वर्ष की वह बच्ची जिसका फोटो वायरल हुआ था जब एक पेड़ काटा जा रहा था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा पहल की शुरू की है? तो इसे शुरू किया है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट्स का अवार्ड मिला है? तो ये जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था ये 66वां था, ठीक है ना, और इसमें उत्तराखंड सरकार को फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं इनको काफ़ी सहूलियतें दी, काफ़ी सब्सिडी भी दी थी अपने यहाँ फिल्में बनाने के लिए। 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो हल्लारी। हल्लारी ये क्या है? गुजराती फिल्म है, इसको मिला है। और नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में आती है सनराइज, इसको जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है हल्लारी, गुजराती है, और नॉन फीचर फिल्म सनराइज। हाँ, में आ रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 66वीं राष्ट्रीय फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता 66वीं राष्ट्रीय फिल्म ये जो हुआ उसमें आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को मिला। आयुष्मान खुराना को मिला है अंधाधुंध के लिए और विकी कौशल को मिला है उरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, ये तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं, इनकी फिल्म थी महानती। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने जनजाति लोगों के ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये किया है MP गवर्नमेंट ने। किस राज्य ने जनजाति लोगों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की है? तो MP गवर्नमेंट ने ही।
और मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की है एमपी गवर्नमेंट, करीब 1.5 करोड़ इससे जनजाति लोग लाभान्वित होंगे क्योंकि एमपी में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। सीबीआई का प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो सुधा रानी रेलंगी को। किस आईआईटी ने मूत्र को रिसाइकिल करने के लिए एक सिस्टम को डिजाइन किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। भारत ने 5 वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए सिटीज़ में प्रस्ताव दिया। सिटीज़ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। महाराष्ट्र में सड़क अधोसंरचना सुधार परियोजना के लिए किस संगठन ने 200 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। और ये इससे क्या होगा, महाराष्ट्र के 34 जिलों को लाभ होगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में देखा जाए तो 67 देश सदस्य हैं। अब हम बात करते हैं कि खादी व ग्राम उद्योग ने हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लेदर मिशन लॉन्च किया है? तो खादी व ग्राम उद्योग ने हाल ही में राजस्थान के सिरोही जिले में, ठीक है ना, लेदर मिशन लॉन्च किया है। इसमें क्या है, जो लेदर में काम करते हैं मजदूर लोग, तो उनको लेदर किट दी जाएगी जिससे उनके स्वास्थ्य उनका ज़्यादा प्रभावित ना हो, दिक्कतें ना आए, बीमारी ना फैले। किस देश ने भारत को अवैध नशीली दवा व उत्पादन व पारगमन वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो भैया ये सब काम यूएसए ही करता है, अमेरिका ने 20 देशों की सूची बनाई और उसमें हम लोगों को भी डाल दिया भाई, ठीक है। भारत की पहली क्लिनिकल इकोटॉक्सिलॉजी फैसिलिटी को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के एम्स में इसकी शुरुआत की जाएगी। भारत की पहली क्लिनिकल इको टॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी, मतलब जो प्रदूषण है इससे क्या क्या बीमारियां फैल रही हैं, इनका क्या क्या रीजन है, इस पर एक स्टडी की जाएगी। मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, तो इसकी इसकी स्टडी की जाएगी वहाँ पे। तो किस भारतीय पहलवान ने तिबलिसी ग्रैंड प्रिक्स में 65 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने। हैदराबाद ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो हैदराबाद ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सौरभ वर्मा ने एकल खिताब जीता। भारतीय सेना ने किस स्थान पर मिशन रीच आउट लॉन्च किया? तो ये जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ था, धारा 370 हटने के बाद वहाँ कर्फ्यू लग गया था। तो वहाँ जब कर्फ्यू लग गया तो लोगों को घरों में खाने पीने और दवाइयों की कमी हो रही थी, तो भारतीय सेना ने उनके घर घर जगह जगह पहुँच जा करके खाना पीना और दवाइयाँ मुहैया कराई थी। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष हैं चंद्रमा साहा। राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए किस भारतीय पत्रकार को 2019 प्रेम भाटिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजदीप सरदेसाई को। और इस अवार्ड में कितना मिलता है? तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है।